नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। मित्रों, इस समय हमारी टीम अयोध्या के सरजू घाट पे मौजूद है। देखिए, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है सरजू नदी। ये जगह जगह पे देखिए नाई खड़ी हुई है, और ये देखिए ये इधर क्रूज खड़ा हुआ है। और यहाँ जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे छाया होने के नाते देखिए ये दुकानदार ठेला वाले ये लोग यहाँ दुकान लगा करके चार पैसे की कमाई कर रहे हैं। आइए, अभी हम जानते हैं इनकी समस्याएं, इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिसको जानने के लिए अभी हम इनसे संपर्क करते हैं। आइए, हमारे साथ बने रहिए। हाँ दादा जी, शुभ नाम? समीर अली। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। क्या बेच रहे हैं ये? बेच रहे हैं आज के लिए। तो बिक्री हो जाती है, मतलब घर के लिए? अरे बिक्री सर क्या हो जाती है, थोड़ा बहुत रोजी रोटी से लगे हैं तो 100-200 रुपया कमाई हो जाता है दिन भर में। अकेले कमाने वाले हैं, बच्चे ज्यादा हैं खाने वाले, खेती पाती कुछ है भी नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत बहुत बड़ी है, यहाँ पर मर्चेंट दल वाले आते हैं तो सबको मार मार के भगाते हैं, ठेला लगाने नहीं देते हैं, कहते हैं सब लोग जाइए अपने अपने घरों को, यहाँ ठेला नहीं लग सकता। तो कैसे आप लोग लगाए हुए हैं? अब साहब उधर से भगा देते हैं तो इधर भाग के आ जाते हैं, इधर से भगाते हैं तो उधर भाग के जाते हैं, चोरी समझ लीजिए, चोरी से लगा रहे हैं। तो ये आप लोगों के साथ गलत हो रहा? अब सर क्या किया जाए, गलत होता हो या सही होता हो, मैं तो बाहर का हूँ, मजबूर क्या करूँ। तो योगी मोदी से आप कुछ कहना चाहते हैं? अब भाई वो अब हमारी वो सुनेंगे कहाँ, अगर हमारी सुने तो ये समस्याएं को हल कर दे तो ठीक है, जो रोजी रोटी हम लोग कमा खा सकें। नहीं, आप लोग चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि दुकानदार जो है दुकानों को लगाने दें, वो चार पैसे कमाए तो अपने बच्चों को जाए। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं कमाई करने? हमारे परिवार में मैं अकेला हूँ। मतलब कमाने वाले आप अकेले? कमाने वाले अकेले हैं और खाने वाला परिवार 6 बच्चों हैं। तो आपको ठेला नहीं लगाने दिया जा? हाँ, ठेला नहीं लगाया दिए, लगाने देते हैं। आइए, अभी आपको और बात कराते हैं। कहाँ गए भाई? हाँ, आपका सुन नाम? हाँ भैया, ये ठेला नहीं लगाओ मिले तो बेच बेच खाए गए। काहे नहीं लगाओ? हाँ, अकेले कमाए वाले हैं वो। नहीं, कौन रोकता है? अभी निगम निगम वाले आए, वो ठेला भी नहीं देने लगाओ, बता दिया उठा के लगाओ, उठा दिया तो और हमें बंद के ले जाए, छोड़ बंद के। नहीं, कभी आपको बंद किए हैं? नहीं नहीं, तो इसी भाग के आए, नीचे चलाए थे। मतलब आप लोगों को चोरी छिपे बिक्री करना पड़ा? हाँ जी जी, कई थे कौन कमाई तो हो जाती है, मतलब भर के। हाँ, थोड़ी सी 400 मिल जाता है, लेकिन चोरी छिपे काम करना? हाँ, चोरी छिपे का काम करते, कोई इधर से उठे, कोई उधर चला के देते, कोई गली के जम हल जाए थे। तो इस बारे में आप योगी मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं? अब काव करे मजबूर करेंगे, काव करे जाएंगे। आपको आपको उनसे कुछ अपेक्षा है कि क्या कर दें तो आपकी बिक्री हो जाए? अब जैसे खुशे दे राम भाई कमाई, अब कोई लगाव नहीं मिला तो घर भगाओ, घर भगाओ तो काव करें। देखिए, इनके ये खीरा बेच रहे हैं जो कि गर्मी में अति आवश्यक है। गर्मी में लोग अक्सर खीरा ढूंढा करते हैं और यहाँ छाया होने के नाते लोग यहाँ आकर के खीरा खरीदते हैं, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस इनको प्रताड़ित कर रही है और इनको यहाँ से भगा रही है। आइए, हमारे साथ बने रहिए। आइए, अभी हम आपको और बात कराते हैं। हाँ भैया, हेलो। हाँ, आपका शुभ नाम? भल्लो भल्लो। क्या बेच रहे हैं? मौसमी जूस। मौसमी जूस, कोई आपको रोकता तो नहीं? नहीं सर, रोकने वाले आते हैं, समझा देते हैं, कूड़ा वूड़ा मत डालना, बस कूड़ा नहीं डालते हैं तो कोई नहीं रोकता। मतलब डालता आपको कोई नहीं? ये नहीं कहते हैं कि आप यहाँ से ले जाइए? कहते तो हैं,
पर ये जरूर कहते हैं कि कूड़ा नहीं डालना और साइड में लगाना, मतलब दोनों तरफ ना लगे थे, तो कुछ कमाई हो जाती है। हाँ हो जाती है, 150-200 हो जाता है। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ लगाने नहीं दिया जाता है, ये लोग दुकानदार कह रहे हैं कि यहाँ लगाने नहीं दिया जाता है, हम लोग खेदा जाता है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ लगाने देते हैं, कहते हैं देते तो है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन बात में फिर लगाने देते हैं कि हाँ समझा देते हैं, भाई पूरा मन का लगा देते हैं, जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तुरंत लगा देते हैं। तो योगी और मोदी जी से आप क्या कर सकते जैसे आपको ठेला लगाने दिया जाए, लगा रहे हैं, मतलब और क्या, दो पैसा हम कमाए, सच 24 इंडिया के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।